यूपी में मदरसों के सर्वे में 6,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता चला है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर कहा कि अगर मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं तो कोई क्राइम थोड़े ही किया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पहले से तेज कर दिया गया है। अभी तक सर्वे का करीब 80% ही काम पूरा हो चुका है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राज्य में 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता चला है। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। मुरादाबाद में 585, बिजनौर 450, बस्ती 401, गोंडा 281, देवरिया 270, सहारनपुर 258, शामली 244, मुजफ्फरनगर 222, गोरखपुर 148, गाजियाबाद 139। ये लिस्ट काफी लंबी है। 6,502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में से 5,200 के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मुरादाबाद में जिन 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता चला है उनमें से शहरी इलाकों में 175 मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं था, ग्रामीण इलाके के 57 मदरसों का पंजीकरण नहीं था। जिले के बिलारी तहसील में 130, कांठ में 48 और ठाकुरद्वारा में 182 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि जिसके कागज मुकम्मल हो चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो गवर्नमेंट को भी कुछ फैसिलिटियाँ देनी चाहिए उस इदारे को, उस मदरसे को जिनके कागज मुकम्मल हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो है जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट उसे पूरी करे ताकि बच्चा समाज में जाकर अच्छा अपना जो है लोगों को जो है तासुर दे सके, समाज अच्छा हो सके उन बच्चों से। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होना कोई क्राइम नहीं है, बल्कि इन्हें भी बाकी स्कूलों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं राज्य की शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का कहना है कि जो भी अवैध होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं तो कोई ऐसा क्राइम तो नहीं हो गया, ये कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, ये तो एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, और उन गरीब बच्चों को दे रहे हैं जो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन मदरसों को फैसिलिटेट करे सरकार और इनको रजिस्ट्रेशन दे और इनकी मदद करे ताकि ये गरीब बच्चों की तालीम को आगे बढ़ा सकें, इनको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो स्कूलों को मिलती हैं। हम चाहते हैं कि जो शिक्षा सबको दी जा रही है वो मदरसों में भी दी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।